सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, कुछ फोन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, शायद वो प्रॉब्लम आपने भी फेस की होगी कि फोन के अंदर बहुत ही कम डाटा है लेकिन फिर भी फोन की स्टोरेज बार बार फुल हो रही है। तो ये स्टोरेज क्यों फुल रही है? अगर आपके फोन के अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि आपके फोन के अंदर बहुत ही कम डाटा है लेकिन आपकी स्टोरेज बार बार फुल हो रही है, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? इस वीडियो में आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दोनों ही तरीके आपको बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपके फोन के अंदर बहुत ही कम डाटा है लेकिन फिर भी आपकी स्टोरेज फुल है, तो आप उसको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कैसे करोगे? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और प्लीज एक कमेंट जरूर करना। अगर आपके फोन का स्टोरेज फुल है और वो ठीक हो जाए तो प्लीज कमेंट करना, वीडियो नाइस या नाइस ऐप, आप कुछ भी कमेंट कर देना, लेकिन करना जरूर तब करना कमेंट जब आपकी स्टोरेज पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका है आपका SD कार्ड का। तो यहाँ पर मैं SD कार्ड को ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पर मेरा फाइल होती है मैं वहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है क्लीन अप, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन मिलता तो आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा कैच इट डाटा, तो आपको वो डाटा सबसे पहले तो क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा 250 MB जो मेरा डाटा था वो क्लीन होगा, तो मेरी मेमोरी कुछ यहाँ पर जो फुल थी वो अब कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो अब आपको सिंपली बैक आना है। अब एक सेटिंग बहुत फ़ोन के अंदर होगी कि जब आप अपना SD कार्ड ओपन करते हो या आप अपना इंटरनल स्टोरेज ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो हिडन फाइल का, तो ये ऑप्शन वहाँ पर काम आने वाला है, लेकिन कुछ फ़ोन के अंदर ये सेटिंग नहीं होती। तो इसीलिए मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है EX फाइल एक्सप्लोरर। तो ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको सिंपली टाइप करना होगा EX फाइल एक्सप्लोरर, तो ये ऐप आ जाएगी, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली जब ऐप को ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको ऐप का दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा एनालाइज, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी पूरी मेमोरी, SD कार्ड, इंटरनल स्टोरेज स्कैन होगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम आप वेट कीजिए। अब ये कुछ फोल्डर्स हैं जो आपके फ़ोन के अंदर हैं, जो आपके फ़ोन की मेमोरी लिए हैं। तो बात हम इनकी नहीं करते, हम करते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट की। आप इनको डिलीट कर लेना। तो सिंपली बैक आइए, फिर आपको ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई देंगी, तो सिंपली वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा शो हिडन फाइल। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब जो फाइल आपके फ़ोन के अंदर हिडन है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो सभी फाइलें अब आपको इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद दिख जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा इंटरनल स्टोरेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मेरा व्हाट्सअप, तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मीडिया पर जाओगे तो देखिए दोस्तों, जब आप पास किसी की वीडियो आती है तो आपकी वो सभी वीडियो आपकी गैलरी में शो होती है, लेकिन जो वीडियो आप सेंड करते हो वो वीडियो आपकी गैलरी में शो नहीं होती। तो कुछ फाइल आपकी यहाँ से भी ओवरलोड होती है, तो आपको ये वाली फाइल भी डिलीट कर देनी है। अब आप बैक आइए। अब बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉइड का, तो सबसे पहले आपको उस ऑप्शन को देखना होता है वो ऑप्शन। अब इस ऑप्शन के अंदर जैसे कि आप मीडिया पर क्लिक करोगे, जैसे कि आप डाटा पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर अब तक कि आपने जितनी भी ऐप डाउनलोड किए हैं उन सभी ऐप का डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको बारी बारी एक एक ऐप चेक करनी है और इन ऐप को आपको डिलीट कर देना है। इसके अंदर आपकी काफ़ी मेमोरी होती है, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये कुछ मेमोरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी मेमोरी मिलेगी, आपको एक एक इनको डिलीट कर देना है। अब आप बैक आना। अब यहाँ से आपको वो सभी फोल्डर डिलीट कर देना है जो आपके काम के नहीं है और आपके फ़ोन मेमोरी के अंदर है। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो फोल्डर हैं ये आपकी काफ़ी मेमोरी लिए होते हैं। देखिए दोस्तों, आपके फ़ोन के अंदर कुछ नहीं लेकिन फिर भी आपकी स्टोरेज फुल की दिखाती है, तो यही वो वजह है, इसी वजह से आपके फ़ोन की स्टोरेज बार बार फुल होती है। तो आपको इन सभी फोल्डर को डिलीट कर देना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पर जो ऑप्शन होता है शो हिडन फाइल, आपको इसको इनेबल करना जरूरी है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करोगे तो कुछ ऑप्शन आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो आपको ये ऑप्शन इनेबल करने हैं, और जो ऑप्शन आपको लगे कि आपके फ़ोन के नहीं है, कुछ फाइलें, कुछ ऐप के फोल्डर्स, तो वो फोल्डर्स अभी डिलीट कर दीजिए। आप यकीन माने, फिर आप फ़ोन को यूज़ कीजिए, एक तो आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट हो जाएगा और आपके फ़ोन मेमोरी बार बार फुल नहीं होगी। तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करनी है और आपको वो सेटिंग कर लेनी है। आई होप दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलूंगा एक और।